आरपीएससी लगातार विवादों में रहा, इस बार भी विवाद गहरे हैं और कम नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल 7 जनवरी आज यानी 7 जनवरी को आरपीएससी की पहली परीक्षा पीटीआई लाइब्रेरियन और सहायक आचार्य की प्रति परीक्षा जो है वो आयोजित हो रही है। हाल फिलहाल हम खड़े हैं गांधीनगर स्कूल के कॉलेज जो है वहाँ पे, जहाँ पे तमाम जो सुरक्षा के जाता है वो तैनात है और सुरक्षा के मद्देनज़र हर प्रकार से चेक किया जा रहा है। अभ्यर्थी जो हैं उनको परीक्षा से 1 घंटे पहले बुलाया गया था, उनको हिदायत दी गई थी कि 1 घंटा पहले यहाँ पे पहुँचे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुँचे। परीक्षा जो है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित होनी है, लेकिन उससे पहले ही बता दें सबसे इंटरनेट भी कहीं ना कहीं बंद किया गया है, और इंटरनेट बंद जो है वह जो संभाग हैं जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, यहाँ पर इंटरनेट की बंद की कवायद की गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। वहीं पर जयपुर में कल सुबह तक इंटरनेट बंद करने की बात नहीं थी, लेकिन हाल फिलहाल आज सुबह देर रात संभागीय आयुक्त ने जो इंटरनेट बंद करने की घोषणा की, और जयपुर में भी 11 से 2 तक इंटरनेट बंद रहेगा। वहीं पर RIC में जो DG IGP की बैठक चल रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इंटरनेट बंद करने के कारण दखल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर RPSC लगातार विवादों में रहा है, और RPSC को लेकर आज पहली परीक्षा आयोजित यहाँ पे हो रही है। तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं उन पे परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों को चेक किया जा रहा है, मेटल डिटेक्टर से चेक करते हुए उनको प्रवेश पत्र देखकर ओरिजिनल ID फोटो सहित जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसको देखकर ही अंदर एंट्री दी जा रही है। स्कूल में जहाँ पर परीक्षा सेंटर है वहाँ पर 1 घंटा पहले उनको बुलाया गया था। देख सकते हैं तमाम जो परीक्षा सुरक्षाकर्मी हैं वह अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले आने तक ही एंट्री दी जाएगी, और पूरा बाकायदा तरीके से उनको जांच किया जाएगा, चेक किया जाएगा हर एक पहलू को, क्योंकि लगातार RPSC विवादों में रहा है। पेपर लीक की बात कर लें, परीक्षा पोस्टपोन जो RS की चल रहा है अभी तूल पकड़ा हुआ है उसकी बात कर लें, पेपर लीक से पहले बात कर लें, अभ्यर्थी लगातार अभी पहुँच रहे हैं सेंटरों पर, भरी ठंड कड़ाके की ठंड में भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की जा रही है अभ्यर्थियों द्वारा कि कैसे भी यहाँ पर 11 बजे तक पहुँचा जाए, 1 घंटा पहले तक पहुँचा जाए। स्कूल प्रशासन है, सेंटर प्रशासन है, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है RPSC के दिशा निर्देशों को, और दिशा निर्देशों को मॉनिटरिंग करते हुए लगातार RPSC की एग्ज़ाम जो पहली आज आयोजित हो रही है, लाइब्रेरियन आचार्य सहायक, सहायक आचार्य और PTI की भर्ती आज हो रही है। 7 जनवरी आज पहली परीक्षा RPSC के द्वारा की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं, मापदंड हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं। प्रशासन है, शासन प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। भजनलाल शर्मा की सरकार राजस्थान में बनी है, और राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार बनते ही पेपर लीक के मुद्दे को उन्होंने SIT बैठाई है, तो उन्होंने एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसका नंबर भी उन्होंने मीडिया के द्वारा जारी किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कि यदि कोई शिकायत होती है परीक्षा को लेकर तो वहाँ पर कंप्लेंट की जा सकती है। तो कहना कतई गलत नहीं होगी, इस बार भजनलाल सरकार जो है वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और पेपर लीक के मुद्दे को उन्होंने चुनाव में हैवी बनाया था और मुद्दा बनाकर उन्होंने चुनाव में भारी मत से विजय हासिल की थी। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।